Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं। कनेडियन वजीर आजम कहते हैं, हम मुल्क में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बरसरे पैकार रहेंगे। नफरत का किला कमा करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। रवा हफ्ते के आखिर में ओंटेरियो में गैस की कीमतें नई बुलंदी तक बढ़ने की तवक्को। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर ने पेशगोई की है कि इस मौसम गर्मा में किसी भी वक्त कीमत में 2.250 डॉलर फी लीटर इजाफा हो सकता है। साबिक कनेडियन गुलूकार पर खातून से जिंसी ज्यादती साबित हो गई। जैकब होगार्ट को 2 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने 2 दीगर इल्जामात से बरी कर दिया। ख्वातीन आज़मीन हज के महरम से मुतालिक नई शर्त आई। सऊदी हुकाम का कहना है कि दुनिया भर से आज़मीन की जानिब से महरम से मुतालिक वजाहत तलब की जा रही थी। खुश नसीबों का ऐलान कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। जो बाइडन की जानिब से ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम किए जाने का इम्कान। तेल बेचने वाली मारूफ कंपनी वाइट ऑयल के अहदेदार को उम्मीद है कि अमरीका ये इकदाम उठा सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए। और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर रब्ता कीजिए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस्लामोफोबिया कनाडा के अवाम पर हमला है। पूरा मुल्क नफरत पर मबनी जुर्म का निशाना बनने वाले मुसलमान खानदान के साथ है। नफरत और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए काम करते रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है। ऑन्टेरियो में इंतहा पसंद हमले में जाबहक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की याद में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, ये नाकाबिले कबूल है। कैनेडियन वजीर आजम ने मजीद कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मजीद इकदाम की जरूरत है। मुल्क में हर रोज लाखों अफराद को इम्तियाजी सलूक और जाहिरियत का सामना करना पड़ता है और ये हकीकत है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इस्लामोफोबिया कनाडा के अवाम पर हमला है। पूरा मुल्क नफरत पर मबनी जुर्म का निशाना बनने वाले मुसलमान खानदान के साथ है। नफरत और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए काम करते रहेंगे। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटैग के मुताबिक जीटीए और जनूबी ओंटेरियो के बेशतर हिस्सों में इतवार तक पंप्स पर कीमतें रिकॉर्ड 214.9 डॉलर की फी लीटर तक पहुँचने की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में एक बार फिर गैस की कीमतें एक नए रिकॉर्ड की बुलंदी तक बढ़ने वाली हैं। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटैग के मुताबिक जीटीए और जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर हिस्सों में इतवार तक पंप्स पर कीमतें रिकॉर्ड 214.9 डॉलर फी लीटर तक पहुंचने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि वैसे आखिरी एक दिन के लिए 18 मई को 2.099 डॉलर था, लिहाजा ये सिर्फ यहाँ टोरंटो में नहीं है, मॉन्ट्रियल और वैनकोवर में भी यही चीज देखने को मिलेगी। गैस की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफा महीनों के आसमान को छूती हुई ईंधन की कीमतों के बाद सामने आया है, जिसकी वजह ईंधन की किल्लत है, जो बुनियादी तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से रूस के खिलाफ पाबंदियों से मुतासिर है। मैकटैग ने कहा कि गर्मियों में पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होता है क्योंकि लोग सफर में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। उन्होंने पेशगोई की है कि इस मौसम गर्मा में किसी वक्त कीमतें 2.99
$2.50 फी लीटर तक पहुंच सकती हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान डग फोर्ड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, जिन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए अक्सरियती हुकूमत हासिल की, ने वादा किया कि वो ऑन्टेरियो में 1 जुलाई से शुरू होने वाले 6 माह के लिए आर्जी तौर पर गैस टैक्स में 5.7 सेंट फी लीटर कमी करेंगे। ऑन्टेरियो की अदालत के एक जज की जानिब से साबिक कनेडियन गुलूकार को जुर्म साबित होने पर सज़ा का फैसला सुना दिया। हेडली के फ्रंटमैन 37 साल जेफ होगॉट अदालती फैसले के बाद रो पड़े। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक कैनेडियन गुलूकार जैकब होगार्ट पर ओटावा की खातून के साथ ज्यादती का जुर्म साबित हो गया। ऑन्टेरियो की अदालत के जज की जानिब से ये फैसला सुनाया गया, जबकि दीगर 2 इल्जामात से उन्हें बरी कर दिया गया। अदालती फैसले के बाद हेडली के फ्रंट मैन 37 साल जैकब होगार्ट रोने लगे और उनकी अहलिया ने जैकब होगार्ट के आंसू पहुंचे। 12 जजेस पर मुश्तमिल अदालत में मस्कूरा केस की 6 रोजा समाअत जारी रही। ऑन्टेरियो सुपीरियर कोर्ट के जस्टिस कैरियन रॉबर्ट्स ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुजरिम को जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तगासा ने इल्जाम लगाया कि होगार्ट ने अप्रैल 2016 में टोरंटो में हेडली के एक शो के बाद नौउम्र लड़की से ज्यादती की। इस दौरान होगार्ट ने मुकदमे की समाअत के दौरान गवाही दी कि उसने शिकायत कुनंदगान के साथ रजामंदी से जिंसी ताल्लुक कायम किया था। सऊदी वजारत हज उम्र की जानिब से जारी बयान के मुताबिक खवातीन आसमीन ऐसे महरम के साथ फरीज हज अदा नहीं कर सकेंगी जिसने गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान हज अदा किया हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वजारत हज और उमरा ने रमा बरस खवातीन आजमीन हज के लिए नई शर्त आयद कर दी है। वजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक खवातीन आजमीन ऐसे महरम के साथ फरीज हज अदा नहीं कर सकेंगी जिसने गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान हज अदा किया हो। यह बयान दुनिया भर से आजमीन की जानिब से इस सिलसिले में वजाहत तलब किए जाने पर जारी किया गया कि खवातीन गुज़िश्ता बरसों में हज करने वाले शख्स को बतौर महरम ले जा सकती हैं या नहीं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने रमा बरस दाखिली आजमीन हज के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख 3 से 11 जून मुकर्रर कर रखी है। हुकाम के मुताबिक खुश नसीबों का ऐलान कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। तेल बेचने वाली मारूफ कंपनी वाइटोल के अहदेदार ने तवक्को जाहिर करते हुए कहा है कि नवंबर के जमनी इलेक्शन सर पर हैं और अमेरिका में तेल की कीमत 250 रुपये फी लीटर के बराबर हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने का सोच सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ईरानी तेल पर पाबंदियाँ नरम किए जाने का इम्कान है। नवम्बर के जमनी इलेक्शन सर पर है और अमेरिका में तेल की कीमत 250 रुपये फी लीटर के बराबर हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने का सोच सकता है। तेल बेचने वाली मारूफ कंपनी वाइटॉल के अहदेदार को उम्मीद है कि अमेरिका ये इकदाम उठा सकता है। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका एटमी मुहायदा हो जाए तो बैन अलावा मंडी में मजीद 5 से 10 लाख बैरल तेल यौमिया आ सकता है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।